हारून रशीद ने एक और दावा किया है, कहते हैं कि माजी में नून लीग ने हर शख्स को कबूल किया लेकिन आप लीग को कबूल नहीं किया, ऐसा कहते हैं सीनियर साफी और तजिया कार हारून रशीद। नवाज शरीफ ने माजी में चौधरी बरादरान से मीटिंग तय करके मनसूख कर दी थी। पंजाब में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना मुश्किल भी नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। नून लीग पीटीआई के लोग टूटेंगे, मफाद परस्त टोलों से पार्टियां भरी पड़ी हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करते हुए हारून रशीद ने कहा कि इससे ज़्यादा दो पार्टियों के दरमियान तलखी की मिसाल क्या हो सकती है कि जब मोने सिलाही से किसी ने पूछा कि नून लीग के किसी फर्ज से राबता किया है तो जवाबन उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों के एक दूसरे के साथ राबते रहते हैं। हालाँकि हकीकत यह है कि नून लीग ने हर शख्स को कबूल किया लेकिन काफ लीग को कभी कबूल नहीं किया। नवाज शरीफ ने माजी में चौधरी बरादरान के साथ एक मीटिंग तय करके मनसूख कर दी थी। एक ख्याल ये जा रहा है कि पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला तैनात कर दिया जाए, इसके कुछ मनफी पहलू भी हो सकते हैं, मगर एक मुसम्मम हकीकत है कि इसके बाद पंजाब में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलटना मुश्किल भी नहीं नामुमकिन भी हो जाएगा। फिलहाल इमरान खान उस्मान बुज़दार के मामले पर डटे हुए हैं। लगता यह है कि बुज़दार साहब के पास इमरान खान का कोई खसूसी इसमें आज़म है। जब भी वो नाराज़ होने लगते हैं तो बुज़दार साहब वो नुस्खा आजमाते हैं और कामयाबी मिल जाती है। अभी खेल शुरू हुआ है, टूट फूट हर जगह पर होगी। नून लीग के भी लोग टूटेंगे और पीटीआई के भी, मफाद परस्त टोलों से पार्टियां भरी पड़ी हैं। इमरान खान ने मुझे खुद बताया है कि शेख रशीद नून लीग में जाने वाले थे, नवाज शरीफ ने उन्हें कबूल नहीं किया।